हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे ये देखिए भाई तैयार हो गए हैं नए नए कपड़ा पहन के अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए, और बहन भी तैयार हो गई है। और ये लगा रही हैं चौक नंदिनी आटा से, क्योंकि यहीं पे चौक लगा के आयन बैठेंगे। आयन इतना खुश है, इतना खुश है कि शायद कहीं बाहर जा रहे हैं, क्योंकि तभी इतने दिन बाद इन्होंने मुझे नए कपड़े पहनाए हैं। वैसे तो कभी नए कपड़े पहनाते नहीं है, तो बार बार रो रहा है बाहर जाने के लिए। शूज उठा रहा है, पहन रहा है, पापा को खींच के बाहर ले जा रहा है। और भाई पहली पहली बार इनको राखी बंध रही है, क्योंकि पिछली साल इनकी बहन यहाँ पर थी नहीं। नंदिनी पिछली साल महोबा में थी, इस बार यहीं है, तो बहन इस बार राखी बांधेगी। और यहाँ पे देखिए, जब भी ये कहीं बैठते हैं तो पहले अपने आप से पूछते हैं, पहले अपने आप से पूछ लेते हैं बैठें, बैठ जाएं, उसके बाद बैठते हैं। ये बैठ गए राखी बंधवाने के लिए। सर पे कपड़ा भी नहीं रखना है इनको, हम पल्ला रख के बता रहे थे, तो मम्मा रखे, तुम भी रख लो भाई। रोज के टाइम जब नंदिनी ने इसका टीका किया था, तब भी पैसे नहीं दे रहा था उसको। ये उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ में पैसे नहीं देगा, फिर सोच लो पैसे उसको उल्टे हाथ में लगे हैं। और इस बार भी पैसे नहीं दे रहा था, सिर्फ एक का सिक्का दे रहा था। जो पैसे नोट लिए, नोट नहीं दिया था, कह रहा है एक का सिक्का ले लो, उसके अलावा कुछ नहीं दे रहा था। तो ये वही वाली राखी है जो मैंने घर पे बनाई थी। तो हम तो त्यौहार में जा ही नहीं पाए अपने घर पे, तो नंदिनी थी तो हमारा त्यौहार मन गया। आयान को राखी बंध गई तो अच्छा लगने लगा। बच्चे हमारे जीवन में ना खुशियाँ भर देते हैं, और इनको देख देख के ऐसा लगता है जैसे हमारा बचपन भी लौट आया हो। और ये देखिए आयान ने पैर भी छुए हैं, हमने ऐसे कभी नहीं सिखाया पैर छूना, कभी भी नहीं सिखाया। बस एक बार मैंने बोला मम्मा के पैर छू लो, उसने छुए बड़े आराम से, ये देखिए। और पापा के तो उसने बजा बजा के छुए, ये देखिए पापा के पैरों का तो तबला बजाया है उसने, क्योंकि उसको लग रहा है ना। और ये देखिए ना, इनको राखी चाहिए थी, ना मिठाई, कुछ भी नहीं चाहिए था, ना पैसे, इनको सिर्फ चौकी चाहिए थी। ये जब से चौकी के लिए रो रहे थे, जिसकी अब ये गाड़ी बना के घूम रहे हैं, ये देखिए मज़ा आ गया उसे तो। और ये लगाया था मैंने कल सिलेंडर का नंबर। वैसे तो गैस अभी है, ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है अक्सर कि त्यौहार के आसपास गैस बोल जाती है, अक्सर त्यौहारों पे ही गैस जाती है। तो मैंने पहले से ही नंबर लगा दिया था कि ऐसा ना हो। वैसे तो एक जैसे ही ख़त्म होता है मैं तुरंत दूसरे का नंबर लगा देती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है, जैसे इस बार थोड़ा सा लेट लगाया है मैंने नंबर। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चूरमा, जिसके लिए मैंने घी की पूड़ियाँ बना के रखी थी, क्योंकि आज है सावन का आखिरी सोमवार, जिसमें कि हमारे यहाँ पे चूरमा बनता है। तो उसके लिए मैंने पूड़ियों को छोटा छोटा सा ऐसे मीस लिया है, क्या कहते हैं, मीणा कहते हैं, मतलब छोटी महीन कर ली है बिल्कुल। और इसमें मिलाया है शुगर पाउडर, तो ये बन गया है चूरमा, क्योंकि आखिरी सोमवार पे चूरमा ज़रूर बनता है। शिवरात्रि के दूसरे दिन भी चूरमा बनता है, और आखिरी सोमवार में भी चूरमा बनता है। तो यहाँ पे मैंने चूरमा चढ़ा लिया है। पहले इनका राखी आखी का करवा दिया था मैंने, कहा ताकि बच्चे खाना खा लें, कुछ खा सके, खाली पेट कब तक रहेंगे। उसके बाद फिर मैंने अपना काम कर लिया है। और ये बनाया है मैंने आलू का हलवा, मेवा और दूध डाल के। तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की आप लोगों के साथ, क्योंकि त्यौहार में वैसे भी बहुत काम हो गया था। फिर नंदिनी की मम्मी को फ़ोन लगाया, वीडियो कॉल पे नंदिनी ने बात की, रक्षाबंधन है, उसका भाई भी नहीं मिल पाया उससे इस बार। अब वो भी हरी वाली। ये है नंदिनी की मम्मी। आप लोग पूछ रहे थे नंदिनी की मम्मी कौन है, आप लोग नहीं मिले हैं, तो थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम होती है जब वीडियो कॉल करो ना, तो उतनी क्लियरिटी नहीं आती है। तो नंदिनी ने अपने भाई से भी बात कर ली, मम्मी से भी बात हो गई। और ये है हमारी दीदी, मतलब मेरी ननद है, उनसे भी बात हुई, उनकी राखी नहीं आ पाई है। और अयान की राखी है, देखिए बांध दिए यहीं से वीडियो कॉल से, अयान ने गिफ्ट भी दिया, ये देखिए सीसी क्रीम कह रहा है ये लगा लो।
रक्षाबंधन है, मेकअप कर लो। तो ये गिफ्ट में दिया है अयान ने। अयान ने अपनी दादी से बात की, बुआ जी से बात की, सबसे बात हो गई, और मैंने अपने घर पे अपने भाई से दोपहर में बात कर ली थी। तो इस बार त्यौहार वीडियो कॉल और कॉल से हुआ है। और मेरा व्रत है, तो फिर मैं सोच रही थी दो लोगों के लिए मैं क्या स्पेशल बनाऊं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं बहुत सोच रही थी कि क्या बनाऊं, इन लोगों से पूछो तो ये लोग कह रहे जो कुछ बनाना हो बना लो। सुबह तो मैंने सिंपल ही खाना बना दिया था, क्योंकि मिठाई विठाई तो मैंने कल ही बना ली थी बालूसाई। तो अभी मैं जा रही हूँ कि व्रत का भी हो जाए और इनका भी हो जाए, ऐसा कुछ बना लूँ। तो यहाँ रख दिए मैंने आलू बॉयल होने के लिए, और एक तरफ मैं सेक ले रही हूँ पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ भी मैंने आज इतनी बड़ी बड़ी बनाई है ना, जैसे कि भटूरे बनाए हो। नंदनी कह भी रही मौसी इतनी बड़ी पूड़ियाँ। तो मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है, ताकि क्योंकि बाद में काफ़ी बच जाता है, तो मैंने कहा बड़ी बड़ी इतने ही ऑयल में निकाल लूँ जो बचे ख़राब हो। ये क्या रखी है पीली कुर्सी, तुम पूरी बालकनी ढूंढ गए। अरे तो यहाँ से कैसे दिखाई देगी, तुमको सामने रखी चीजें दिखती नहीं है वहीं से। दूसरी चीज यार, अगर इस टेबल का काम हो गया हो ना तो उसको यहाँ लगा दूँ। नहीं अभी काम कैसे हो गया, क्यों यहाँ कपड़े टंगेंगे, डोरी बांध दी है, और यहाँ पे गमलों में पेड़ लगाना है। बेटा वो पेड़ तो अगले जन्म में लग पाएंगे, इस जन्म में क्यों तंग कर रही हो, कब से तो कह रही है तुम। बाजार तो चलो किसके उखाड़ लाऊं, जाके किसी को उखाड़ लाऊंगी क्या घरों से। और पूड़ी के साथ में ये आलू मैंने जो बॉईल किए थे, इनको हरी मिर्च और घी से फ्राई कर लिया है। तो थोड़े से मैं बिना नमक के ऐसे ही निकाल लूँगी, और बाकी की इनकी जो बचेगी उसकी सब्जी कर दूँगी थोड़ा बहुत मसाले डाल के। क्योंकि हमारे यहाँ सोमवार के व्रत में आप लोग कहते हैं खाना नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे एक टाइम खाना खा लिया जाता है, दिन में एक बार फलाहार कर सकते हैं। तो जैसा होता है वैसे ही मैं करती हूँ। तो ये है दही आलू बिना नमक की पूड़ी, हम तो यही खाएँगे। और अयान अपने सिवांग को देखिए कहाँ रख गए, इनको नहला धुला के ये बाथिंग टब में रख गए थे सूखने के लिए, और मौका पाते ही इनको नीचे भी फेंक देते दो मंजिल से। तो अब सोच सकते हो इनका क्या होता। तो अभी उठा के नीचे रखा है। घर की कोई भी छोटी बड़ी चीज़ लाता है यहाँ, मौका लगाता है कब बालकनी के गेट खुलें, और उसके बाद में जो जाली है वहीं से हाथ डाल के फेंकते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें फेंक भी देते हैं हमारे, देखते देखते पकड़ते पकड़ते भी। ये रखे हैं, ये देखिए आलू प्याज यहाँ बालकनी में आ चुके हैं बाहर। और ये देखिए माचिस लिए है, खाली माचिस का कवर जो होता है वो लिए है, उसको फेंकने जा रहा है। ये देखिए कितने फटाक से फेंकता है, बहुत फुर्ती से फेंकता है चीज़ों को, और फिर हाथ डाल के निकालता है। इनने तो अपने लिए गुड्डा गुड़िया मंगाए भी, और ये मुझसे बड़ी वाली दीदी का बेटा है, ये देखिए कैसे फ़ोटो भेजिए सजा के रखे हैं इसने, उसको भी आग लगा दी उसने भी, अपनी मम्मी से लड़ लड़ के मंगाए हैं अयान जैसे गुड्डा गुड़िया लाओ। और ये देखिए और कल मैंने और नंदिनी ने जो डांस किया था, आप लोग पूछ रहे थे दी कौन सा डांस था, तो वो पहाड़ी डांस था। क्योंकि कल पता है क्या हुआ, जब हमने मिठाई विठाई बनाई तो नंदिनी मुझे कुछ उदास सी लग रही थी, उसको भी त्यौहार में याद आ रही होगी। अब ये लॉकडाउन है, वरना तो मैं त्यौहार में मैं भी जाती वो भी जाती, तो मैंने कहा चलो कुछ करते हैं ऐसा ताकि ये खुश हो जाए। तो फिर बस मैंने सिर्फ नंदिनी के लिए हो रहा था वो सब, ऐसा कुछ नहीं था कि हम बहुत स्टेप स्टेप बना रहे हैं उसमें। और कल हमने त्यौहार पे मेहंदी नहीं लगाई, इसलिए आज लगाई है। तो पापा को पहनाया होता है, जाओ पहना दो पापा को डायपर, जाओ पापा के पैर में पहना दो, खाओ उसे। मुझे पहनाने लगी और इस बार नंदिनी ने काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई है, मतलब मुझे पिछली वाली तीज वाली डिज़ाइन से ये वाली डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी है। देखिए कितनी प्यारी सी मेहंदी लगाई है, और ये देखिए पापा ने क्या किया है, इनके टी-शर्ट के ऊपर से टी-शर्ट पहना दिए, और क्यों ये बदली क्यों नहीं, नीचे वाली गीली है ऊपर सूखी बना दी उसी के, ठंड लगेगी जो लास्ट जो स्टेटस दिखा रहा है ना इसमें वो हैदराबाद का दिखा रहा है। तो इन्होंने देखा है अभी 24 तारीख की राखी निकली हुई है, लेकिन अभी भी नहीं आई है ना, मेरी राखी पहुंची है। तो इस समय सारे काम ऐसे ही लेट लपाट हो रहे हैं। और ये देखिए नंदिनी की मेहंदी भी लग गई है, प्यारी लग रही है, आया ने थोड़ी सी बिगाड़ दी है बीच में।
तो मेहंदी लग गई है मेरी, ये देखिए इस तरफ की नहीं दिखाऊंगी, बिगाड़ दी है मैंने। और एक ही हाथ में हर बार लगी रह जाती है, दोनों में नहीं लगती। आप लोग कहते हो दी दोनों हाथ में मेहंदी लगाया करो। और हाँ, आज रक्षाबंधन को जिन जिन भाइयों ने मुझे विश किया है रक्षाबंधन, वो सब मुझे लिफाफे भेज दें, क्योंकि राखी बंधवाई सगुन चाहिए मुझे भाई। वो दिमाग खराब हो गया क्या बोल रही है? क्यों? विश तो मैंने भी करा था बहनों को। अच्छा, तुझे मालूम है? तो तुम भी अपनी बहने जाता है भाइयों के कंपैरिजन में, जितना इतना आएगा नहीं ज्यादा चला जाएगा। इंटेंसली तुमसे बदला लेती हूँ मैं। मुझसे इंटेंशनली पता लगे मेरा जाएगा तेरा भी तो जाएगा ना। देव डीली होगी मेरे से तो करने नहीं देते अब डीली। बहने ज्यादा है या नहीं है? हाँ बहने ज्यादा है। कैसे कैसे बता सकते हैं? हाँ बहने ज्यादा होंगी, महिला प्रधान चैनल है। हाँ ऑफ कोर्स ऑब्वियसली महिलाएं मतलब बहने ही ज्यादा होंगी। हाँ नहीं, आप लोगों का प्यार जो है ना वो मेरे लिए सबसे बड़ा सगुन है। मुझे कोई लिफाफे नहीं चाहिए, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। नहीं, जैसे तो वो सच में देने वाले हैं तेरे को। दे देंगे। पानी मत चढ़वाओ, नहीं चाहिए मुझे, ऐसा मजाक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। और एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और दुआ करती हूँ मैं कि भगवान अगली बार ऐसा रक्षाबंधन ना हो, मतलब जहाँ हम अपनों के पास ना जा पाए इस बार जैसे रहे हैं। बहुत लोगों ने अपनी इच्छाओं को मारा है, तो अगली बार सब कुछ अच्छा हो, सब लोग अपने घर वालों के साथ मिले और हम भी आप लोगों से मतलब रूबरू होते रहें। हाँ तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेहंदी वाले हाथ से मांग ली लाइट लाइक जरूर कर दीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो। मुश्किल से वो लाइक मांग रही है, मतलब मेहंदी कितना हाथ भारी हो गया मेहंदी से, उसके बाद लाइक मांग रही है, लाइक कर दीजिए। अरे भारी नहीं हो गया, ऐसे फोल्ड होने से मेहंदी होने लगती है ना। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहे। तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। तुम्हें तो मुंडी क्यों लाते हो?